जन साई राम। श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिवरी द्वारा संचालित श्री साई बाबा अस्पताल में गत सप्ताह करिश्माई सर्जरी कर 67 वर्षीय एक महिला के ब्रेन ट्यूमर को हटाने का कार्य कर दिखाया। कहते हैं जहां दवा काम करना बंद कर देती है वहां से दुआ काम करना शुरू करती है, और यहां तो श्री साई बाबा अस्पताल की दवा और साई समाधि मंदिर की दुआओं से श्री साई बाबा अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर मुकुंद चौधरी और उनकी न्यूरो ओटी टीम ने कठिन व जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पी शिवशंकर ने डॉक्टर मुकुंद चौधरी और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। पुणे जिले के शिरूर तहसील के ग्राम पाबल की रहने वाली 67 वर्षीय श्रीमती नंदा चंद्रकांत राजहंस के परिवार और उनके रिश्तेदारों ने महसूस किया कि उनके बाएं हाथ और बाएं टांग की कमजोर होती जा रही है। दिन प्रतिदिन उनकी ताकत भी कम हो रही थी। उनके परिवार के सदस्य उन्हें लेकर पुणे के एक निजी अस्पताल गए, जहां जांच करने के बाद पता चला कि उनके दाहिने मस्तिष्क में ट्यूमर है और डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। जांच के दौरान डॉक्टर ने यह भी बताया कि ऑपरेशन के दौरान उनके हाथ और पैर की ताकत भी जा सकती है और पैरालिसिस भी हो सकता है। श्रीमती नंदा चंद्रकांत जी की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लिहाजा वो पुणे के प्राइवेट अस्पताल का खर्चा वहन नहीं कर सकते थे। इसी दौरान किसी ने श्री साई बाबा अस्पताल शिरडी के न्यूरो सर्जन डॉक्टर मुकुंद चौधरी से मिलने की सलाह दी। फिर उनके परिवार के सदस्य उन्हें लेकर श्री साई बाबा अस्पताल आ गए और डॉक्टर चौधरी से मुलाकात की। श्रीमती नंदा चंद्रकांत जी ने बताया कि वो नेत्रहीन हैं और देख नहीं सकती, और वो इससे ज्यादा कष्ट या दुख पाने की स्थिति में नहीं है। उनके भावनात्मक वाक्य सुनकर डॉक्टर मुकुंद चौधरी ने सर्जरी करने का मन बना लिया। डॉक्टर चौधरी ने देखा कि ट्यूमर मस्तिष्क के ठीक उस हिस्से में स्थित है जहां शरीर के एक हिस्से को नियंत्रित करने वाली मुख्य तंत्रिका निकलती है, इसलिए गांठ को हटाते हुए यदि दूसरे हिस्से पर चोट लगती है तो पैरालिसिस होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके समाधान के लिए डॉक्टर मुकुंद चौधरी ने मरीज को बिना बेहोश किए ऑपरेशन करने का बेहद कठिन निर्णय लिया। तब उन्होंने वरिष्ठ डॉक्टर निहार जोशी से चर्चा की तो वो भी तैयार हो गए। फिर उन्होंने परिवार के लोगों से बात की और ऑपरेशन की सारी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। परिवार की सहमति के बाद डॉक्टर मुकुंद चौधरी और उनकी पूरी ओटी टीम, डॉक्टर निहार जोशी और उनकी टीम ने बिना एनेस्थीसिया दिए जागते हुए सर्जरी करने का निर्णय कर लिया। साईं बाबा को याद किया गया, श्रीमती नंदा चंद्रकांत जी को पूरी बात बताई गई। पहले तो वो डर गईं, फिर उन्होंने पूरा सहयोग करने को कहा। जागते हुए सर्जरी करवाना बहुत कष्टदायक होता है, परंतु डॉक्टर की टीम का मानना था कि जागते हुए सर्जरी करने से हाथ पैर की ताकत खत्म होने के खतरे से बचा जा सकता है। 11 जुलाई 2023 को डॉक्टर निहार जोशी, वरिष्ठ त्वचा विशेषज्ञ, ने मरीज के सिर का इलाज किया। फिर डॉक्टर मुकुंद चौधरी और उनकी टीम ने 2.5 घंटे की सर्जरी के दौरान पूरी तरह से ट्यूमर को हटाने में कामयाब रहे। सर्जरी के दौरान मरीज के हाथ पैर की निरंतर जांच की जा रही थी। इस प्रकार डॉक्टर मुकुंद चौधरी, डॉक्टर निहार जोशी और पूरी टीम ने सफलतापूर्वक मस्तिष्क से ट्यूमर निकाल दिया। हाथ पैर की ताकत भी कम नहीं हुई और पैरालिसिस का खतरा भी टल गया। इस सफल सर्जरी पर श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पी शिवशंकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राहुल जाधव, श्री साई बाबा अस्पताल के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर शैलेश ओक, उप चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रीतम वडगावे, अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी श्री सुरेश टोलमारे आदि ने डॉक्टर मुकुंद चौधरी, डॉक्टर तुषार जोशी और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। यह पूरी सर्जरी राज्य सरकार की महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना के तहत निशुल्क थी, जिस पर मरीज के परिजनों ने संतोष जाहिर किया और डॉक्टर मुकुंद चौधरी, डॉक्टर निहार जोशी और पूरी न्यूरो टीम को धन्यवाद किया। श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी द्वारा संचालित श्री साई बाबा अस्पताल और श्री साईनाथ अस्पताल में राज्य के कोने कोने से और अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, और इस अस्पताल में 60 से 70 मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी प्रति माह की जाती है। यह सफल सर्जरी हो जाने के बाद डॉक्टर मुकुंद चौधरी ने बताया। बिल्कुल, ये ऑपरेशन तो ऐसे वाले ऑपरेशन रोजाना लगभग 2 या 3 साई बाबा हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन फिर भी ऑपरेशन करते हैं हम लोग तो भी ये ऑपरेशन के लिए एनर्जी, इतनी ताकत और पेशेंट को ठीक करना है
ये जो चाहत है हम लोगों की, ये हम लोगों के साईं बाबा का आशीर्वाद के कारण ही मिलता है। हम साईं बाबा के यहाँ पे दरबार में लगभग 3 साल से काम कर रहे हैं, तो जो पेशेंट भी आते हैं, जो साई भक्त भी आते हैं और हम लोग, तो कहीं ना कहीं ये हमें भी प्रतीत होता है कि जैसे किसी ऑपरेशन के दौरान भी कि साईं बाबा का आशीर्वाद है, नहीं तो 2.5 घंटा जिस पे जो पेशेंट देख नहीं सकता, बोल नहीं, बात पूरी समझ नहीं सकता, वो लेकिन पूरा 2.5 घंटा आराम से हम लोगों को कोऑपरेट कर रहा है। वो खुद भी साईं बाबा की डेवोटी थी और हम लोगों ने साईं बाबा का नाम लेके ही ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, पेशेंट ने भी अच्छा कोऑपरेट किया। तो मैं हमारे सारे पेशेंट्स को यही बोलूँगा कि हमारे यहाँ पे भी काफ़ी सारे अच्छे ऑपरेशंस और बिना काफ़ी कम खर्चे में जो महात्मा ज्योतिबा फुले या प्रधानमंत्री योजना है उसमें होते हैं, तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि उन्होंने इसका लाभ लेना चाहिए। अयूब पठान के साथ विशेष सहयोगी राजेंद्र चिंधे, साईं लीला टाइम्स शिरडी। कृपया साईं लीला टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 24 घंटे शिरडी साईं बाबा से जुड़े रहने के लिए साईं लीला टाइम्स इंटरनेट FM रेडियो लॉग इन करें। ओम साईं राम।